हिजवेरी हाउस नीलाम होगा। चार कनाल 17 मरले का बंगला कीमत 18.5 करोड़ रुपए मुकर्रर। जिला इंतजामिया ने इस हाकदार के बंगले 7H गुलबर्ग की नीलामी के लिए इश्तेहार जारी कर दिया। 12 कमरों पर मुश्तमिल बंगले की नीलामी 28 जनवरी को 12 बजे होगी। कामयाब बोली दहिंदा को 25% रकम फौरी जमा करवाना होगी, बाकी अदायगी 7 रोज में करनी। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की पहली मेडिकल रिपोर्ट मुस्तरद कर दी, रिपोर्ट पर कई एतराजात। पंजाब हुकूमत की नवाज शरीफ की जमानत में तौसी की मुखालिफत। महकमे दाखिला पंजाब का नवाज शरीफ की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट्स फौरी तौर पर भिजवाने का हुक्म। पंजाब हुकूमत और शरीफ फैमिली में खतों किताबत। ख्वाजा हारिस, हुकूमत और डॉक्टर अदनान के दरमियान 4 खतूत का तबादला। 2 नहीं सिर्फ 1 रोज, 18 जनवरी को सिर्फ 1 रोज के लिए सीएनजी मिलेगी। हुकूमत का सीएनजी स्टेशन को 1 रोज के लिए गैस फराहम करने का फैसला। 18 जनवरी को सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सीएनजी स्टेशन को गैस मिलती रहेगी। तर्जमान सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी, 19 दिसंबर को गैस की सप्लाई बंद की गई थी। सूरज ने मुखड़ा दिखा दिया मगर सर्दी की शिद्दत बरकरार। दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मगरबी हवाओं का सिस्टम शहर की फजाओं में मौजूद। पूरा हफ्ता मौसम तब्दील होता रहेगा। महकमे मौसमियात, तेज हवाएं चलने और धुंध की शिद्दत में इजाफे का भी इम्कान। सर्दी का राज बरकरार, गैस चूल्हों से फरार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग, एक वक्त का खाना बनाना भी मुश्किल हो गया। बच्चे और बड़े बगैर नाश्ते के स्कूल्स और दफातर जाने पर मजबूर। घरों से गैस गायब, शहरी बाजार से खाना खरीदने लगे। होटल मालिकान भी अखराजात भरने पर परेशान हो गए, सर्दी कम होने की दुआएं मांगने लगे। गैस की बंदिश से परेशान इंतजामिया ने एलपीजी माफिया को खुली छुट्टी दे दी। धरल्ले से 154 रुपए वाली एलपीजी 180 रुपए किलो फरोख्त करने लगे। शहरियों के साथ रिक्शा ड्राइवर्स भी महंगी एलपीजी लेने पर मजबूर। धुंध के बाद ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। कराची और कोयटा से आने वाली 10 ट्रेनें बर वक्त मंजिल पर ना पहुंच सकी। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। पीआईए और निजी एयरलाइंस की अंदरून और बैरून मुल्क 5 प्रवासें मंसूख, 10 ताखिर का शिकार। गैस लीकेज खामोश कातिल। गैस लीकेज से इमलाक और कीमती जानों का ज़िया मामूल बन गया। गुज़श्ता साल पंजाब भर में गैस से आतिशबाजी के 982 वाकयात रिपोर्ट। मुतअद्दिद अफराद जान की बाजी हार गए। हीटर या गैस का चूल्हा जलते रहने और रबड़ के पाइप आतिश जदगी की वजह करा। सारफीन गैस हीटर इस्तेमाल ना करें, गैस लीकेज की फौरी शिकायत दर्ज कराएं। जीएम फोकल पर्सन सुई नॉर्दर्न गैस जवाद नसीम। बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर। हदबंदियों के बाद अब हलकाबंदियों का अमल शुरू। गवर्नर पंजाब ने नई हलकाबंदियों के गजट नोटिफिकेशन पर दस्तखत करके इजाजत दे दी। नेबरहुड काउंसिल्स और विलेज पंचायत काउंसिल्स की हलकाबंदियों के कवायद व जवाबित का गजट नोटिफिकेशन भी जारी। महकमे बल्दियात ने तमाम कवायद इलेक्शन कमीशन को इरसाल कर दिए। गैर फाल लोकल गवर्नमेंट्स को फंड्स इस्तेमाल करने की इजाज़त। महकमा खजाना पंजाब ने ट्रांजिशन फंड्स का दुरानिया मजीद 25 रोज़ बढ़ा दिया। महकमा बल्दियात 5 फरवरी तक फंड्स इस्तेमाल कर सकेगा। लाहौर समेत तमाम अजला के एडमिनिस्ट्रेटर्स को इरसाल। ऑरेंज ट्रेन को पटरी पर लाने की तैयारियां। वजीर आला पंजाब ने आज आला सतह का इजलास तलब कर लिया। वजीर ट्रांसपोर्ट, वजीर खजाना और एमडी मैस ट्रांसिट अथॉरिटी आला हुक्काम भी शरीक होंगे। ऑरेंज ट्रेन के ऑपरेशनल अमूर बारे अहम इकदाम की मंजूरी दी जाएगी। खराब मसाले ना के सफाई इंतजाम। डीजी फूड अथॉरिटी की फूड पॉइंट की चेकिंग। 4 फूड पॉइंट सील, 2 को जुर्माने, 5 को वार्निंग। मारूफ बटकड़ाही खशरा की मौजूदगी। बशीर दारुल माही को मिस लेबलिंग और नाकिस अशिया की मौजूदगी पर सील किया गया। फूड अथॉरिटी।
तब्दीली सरकार यूटर्न की पॉलिसी पर सवार। वफाक के तहत चलने वाले गैर रस्मी स्कूलों को पंजाब के हवाले करने का फैसला तब्दील। 5,000 गैर रस्मी स्कूल वफाक खुद चलाएगा। रवा माली साल के आगाज में तमाम स्कूल पंजाब के हवाले करने का फैसला हुआ था। 500 मिलियन के फंड भी मुख्तस किए गए। अगले साल स्कूल पंजाब के हवाले किए जाएंगे। लिटरेसी डिपार्टमेंट का मौक। नून लीग वोट को इज्जतों के मौकिफ पर कायम। मुस्लिम लीग नून का आर्मी एक्ट पर नाराज कारकुनान के तहफुजात दूर करने का फैसला। शहबाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं से राबता करके रवाना। वर्कर्स कन्वेंशन में मौकिफ पेश करेंगे। पार्टी रहनुमाओं को अहम टास्क सौंप दिए। पार्टी रहनुमाओं को कारकुनान को अरकान असेंबली के तहफुजात दूर करने की हिदायत। अद्वियात की कीमतों में इजाफे और ओवर चार्जिंग के खिलाफ केस। कैसे यकीन कर लें कि कीमतों में इजाफा हुआ, महज मफरूजों पर कार्रवाई नहीं कर सकते। ओवर चार्जिंग के खिलाफ कार्रवाई करना हुकूमती इदारों का काम है। हाई कोर्ट के जस्टिस समीर भट्टी के रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार को अद्वियात की प्राइस लिस्ट दरख्वास्त के साथ लगाने की हिदायत। कत्ल के मुकदमात में मुलजिम की अबूरी जमानत होना तफ्तीशी ऑफिसर की नाअहली है। स्ट्रीट क्राइम रोकने के लिए इकदाम किए जाएं। सीसीपीओ जुल्फिकार हमीद का कैंट डिवीजन के अफसरान के साथ इजलास। शिमाली छावनी कैंट और बागबानपुरा सर्कल को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत। कैंट डिवीजन में कत्ल के तमाम मुकदमात की रिपोर्ट तलब कर ली। मुसाफिरों के लिए आसानी। एयरपोर्ट पर कतार और ना करना पड़ेगा इंतजार। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों के इमिग्रेशन के अमल को आसान बनाने का फैसला। अलामा इकबाल एयरपोर्ट समेत मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर नया इमिग्रेशन सिस्टम लाने का प्लान। पहले मरहले में कराची एयरपोर्ट पर 300 बैरियर नस्ब किए जाएंगे। पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी करने का केस। शौहर को 11 माह कैद की सजा के फैसले पर नजरसानी की जाए। एडिशनल सेशन जज का जिले कचहरी अदालत को हुक्म। ट्रायल कोर्ट ने हकार के बरअक्स सजा सुनाई। 11 माह की सजा का लदम करार दी जाए। शौहर अरशद का दरखास्त में मौकिफ। दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड अरफा करीम को बिछड़े 8 बरस बीत गए। अरफा करीम ने 9 बरस की उम्र में दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड का एजाज हासिल करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। कौम का सर फखर से बुलंद करने वाली होनहार बेटी को खराज अकीदत पेश।